planning a trip to Russia? Here is where you can get a Russian visa invitation letter, quick and for the best price. www.visaforrussia.support. Your trip to Russia starts here. Day 4, Trans-Siberian Journey की शुरुआत हो चुकी है. सुबह के बज रहे हैं 7 और हम निकल चुके हैं ट्रेन स्टेशन की ओर. पर गूगल मैप्स बता रहा है कि मेट्रो बता ही नहीं रहा है. तो बंद है शायद, चालू हो क्या पता. हाँ, तो पता नहीं चल रहा है क्या कहना चाहता है गूगल मैप्स हमको. कह रहा है बस ले लो, पर हम पहले चेक करेंगे मेट्रो चल रही है नहीं चल रही, क्योंकि उसका रूट पता है हमको. बस का भी फेयर 28 दिखा रहा है, ट्रेन का भी 28 है, पर मेट्रो का 32 है. तो मेट्रो के स्टेशन के पास पहुँच गए हैं, देखते हैं क्या रहता है. कोई ज़्यादा दूर नहीं, चल के भी जाएंगे तो 1.4 किलोमीटर है बस. हाँ तो बिल्कुल प्राइम लोकेशन भी था ये. आर्ट ग्रीन ग्रोव हॉस्टल, टोटली रिकमेंडेड. हाँ बस गैस चलाना आना चाहिए. कल हमसे गैस नहीं चल पाएगी, क्योंकि उनको लाइटर और माचिस कुछ भी नहीं मिला. उसका लाइटर ले कर बेहतर रहेगा. हाँ ये पहुँच गए हम मेन स्क्वायर सा, तो मेन रोड आ गई है. बड़ी चौड़ी सी रोड है, ट्रैम्स सुबह सुबह चलना शुरू कर दिया है. इस तरफ है मेट्रो, इस तरफ है मेट्रो, तो चलती हुई मिली हमको. अब पहुँचते हैं. ये मेट्रो को मैंने बताया था इतनी गहरी तो नहीं है, पर ये सोवियत एरा की लास्ट मेट्रो है. 13 मेट्रोज थी USSR में, ये लास्ट बनी थी 1993 में. चल रहे हैं भाई, अभी पहुँचना है हमको मेन स्टेशन जहाँ पे हम उतरे थे. तो यहाँ पे मेरी टिकट प्रिंट हो रही है, मस्त मस्त टिकट आएगी निकल के. ट्रेन प्लेन की टिकट की तरह, बोर्डिंग पास की तरह. यहाँ से हम खरीदने तो वैसे हैं उलन बटोर से बीजिंग की टिकट, क्योंकि वो आप ऑनलाइन नहीं खरीद सकते. क्या बात है, है ना. आपको भी निकालना तो निकाल लो, प्रिंटेड ही है, फ्री में है. अब आ जाओ बीजिंग की टिकट पता करते हैं और ख़रीद लेते हैं यहाँ से. यार एक बार ये पकड़ लेना टिकट मेरी, ये टिकट पकड़ लो. यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन की अलग टिकट होती है और सब अर्बन की अलग टिकट होती हैं. तो हाँ एक ही खुला है, कार्ड की मशीन तो बाहर ही लटका रखी है उन्होंने. चलो पता करते हैं. वैसे कितने की थी ऑनलाइन, 13,000 की, 11,000 की, 11-12,000 की थी, देखते हैं. चलो ये दिया है, मतलब इसमें हम लॉन्ग ही अपना 388 कहाँ यहीं पे आई गए. लो भाई पकड़ो. 2 मिनट ये बीजिंग उलन बटोर टू, रुक जा मैं टाइप करके रखूँगा. जब तो पहुँचो टू बीजिंग. 8:15 को फेल सेफ टाइम है. 8:15 हुआ तो वरना निकलो यार. क्या 8:15 का अपना फेल सेफ, सॉरी फेल सेफ टाइम है. हाँ. हुआ तो वरना भागो. हाँ ठीक है, ठीक है. क्योंकि 8:27 की हमारी ट्रेन है. हाँ. तो देखते हैं यहाँ पे क्या लेके आते हैं भाई, जल्दी बनाना है ना. अरे लाओ दो यार, अभी तो कुछ हो सकती है. चलो भाई चलते हैं, टिकट बीजिंग की टिकट ले ली. और मैं बताता हूँ HDFC में से ज़्यादा पैसे कटे हैं, तो SBI जिंदाबाद. खैर SBI की सर्विसेज मेरे को तो ठीक लगती है, क्योंकि मेरे पापा बैंक में हैं, वरना तो खैर सारा ही ठीक है. 80 रुपये ज़्यादा कटे ना बस HDFC में. वो रेट फ्लक्चुएट हो गया होगा एकदम से. रुको यार ये सारे चीज़ पैक कर लो. कितना टाइम हुआ अभी, 20 मिनट है. रुको भागते ट्रेन में चढ़ गए, तो मतलब बिल्कुल ही मतलब 5 मिनट पहले चढ़े होंगे. तो ऐसी कुछ ट्रेन है, मतलब ये थर्ड क्लास है. एक सीट ऊपर, एक सीट इस तरफ, एक सीट इस तरफ. ये अदनान भाई की सीट पे आंटी सो रही है अभी. अदनान भाई यहाँ बैठे मेरे साथ. ये एक सीट, एक सीट मतलब टूटा है, ये टूटा है जैसा क्या वही है उसमें, मतलब थर्ड क्लास कहते हैं, पर ऊपर सीट नहीं है. ऊपर सीट नहीं है. तो ये हमको पड़ी Yekaterinburg से Novosibirsk 2800 रुपये की, ठीक है. इसमें लोअर बर्थ और अपर बर्थ का रेट सेम रहता है, साइड बर्थ कोई भी बर्थ चल रहा थर्ड क्लास में रेट सेम रहेगा. तो आप क्या कह रहे थे भाई, अपग्रेड होती जा रही है क्लासेस. मैं तो वही बोल रहा था, स्टार्ट हुए थे नॉन एसी में, अब आ गए एसी में, फिर आएंगे सेकंड क्लास डीलक्स में, फिर पहुंचेंगे फर्स्ट क्लास में. और अभी हमने बीजिंग से, सॉरी उलन बटोर से बीजिंग की टिकट भी ले ली, वो हमको बड़ी 12,000 रुपये की सेकेंड एसी की. तो किसी भी स्टेशन से ले सकते हो, पर थोड़ा मतलब थोड़ा जल्दी पहुँचोगे तभी पॉसिबल है. 1 घंटा जल्दी पहुँच जाओ अगर टिकट खरीदनी है तो.
तो अभी काटने हैं अगले 21 घंटे इस ट्रेन में. हम कल पहुंचेंगे कल सुबह सुबह 9 बजे नोवोसिबिर्स्क. तो भी दिखाता हूँ आपको और क्या क्या है, मतलब कैसे कैसे क्या क्या सुविधाएं हैं इस ट्रेन में वो दिखाता हूँ. और अगला हम रुकेंगे अब अगला 20 मिनट के लिए 2 बजे. तो थोड़े बहुत स्टॉप्स हैं, ये एक्सप्रेस ट्रेन है. And everything we said we'd be, we just traded for a suit coat and a tie. And underneath the rose of trees, I will see you where the ocean meets the sky. Under your toes, the fire grows, you are ready for a different. तो भाई ये सीट बना रहे हैं. कैसे बनानी हमको आती नहीं है. ओ माय गॉड, तो भाई उंगली ना जाए बीच में. ये बन गई आपकी सीट. अब क्या करना है, ऊपर से निकालना है बंदे. ऐसे भी जाते नहीं, इसके ऊपर चादर वगैरह 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 सब डाल के बस भाई यही था ट्यूटोरियल. अभी अंकल है हमारे, नोवोसिबिर्स्क तक आएंगे हमारे साथ. सोने तो देने बिल्कुल वाले नहीं है ये लोग, बिल्कुल सोने नहीं देने वाले हमें तो. क्यों ना भाई, बहुत तेज कराटे मार रहे यार. ऑप्शंस ये बंद हुए, बंद हुए, बंद हुए कराटे, बंद हुए. अभी तो टाइम है चालू ना मुझे. ठीक है चलो रखते हैं, बाय बाय. तो ये दूसरा बड़ा स्टॉप आ गया है 15 मिनट का. कहाँ गए अदनान भाई? अदनान भाई कोच अटेंडेंट चेंज हो गई, कोच अटेंडेंट चेंज हो गई. क्या देख रहे थे? क्या के दाम देख रहा था. क्या है? काफ़ी महंगे ही है. कितने के हैं? बाहर लिखा है दाम. कार देखो अलग से दिख जाएगी, इसके अलग ही यहाँ पे है. तो इस पर भी विजिट करके देखते हैं क्या क्या सिस्टम है. शाम को करेंगे, अभी करेंगे? शाम को जाते हैं. चलो शाम को चलते हैं फिर, रात में मतलब 8-9 बजे, मतलब शाम ही होगी वो यहाँ के हिसाब से. तो अभी चलते हैं भाई, होने वाला टाइम, कहीं बंद करके अंदर ना चले जाएँ. ये यार करती रहती है ट्रेन ठूस फूस फूस फूस. तो भाई मेरे को तो डर अभी भी लगता है क्योंकि माल अभी भी अंदर ही है हमारा. थे हम +3 में टाइम जोन में और अब पहुंच गए +6, मतलब हम इंडिया से 2.5 घंटे पीछे थे, अब आधा घंटा आगे पहुंच गए ना ऑफिशियली. देख लो पहुंच गए शायद या अगले से अगला. हाँ पहुंच गए लगभग इंडिया से आधा घंटा आगे, और 9 से 6 पहुँचते पहुँचते हम हो जाएंगे 1.5 घंटा आगे इंडिया से. और हमने टूर की शुरुआत करी थी 2.5 घंटे पीछे. तो और टूर एंड होते होते मैं भी 2.5 घंटे आगे +8 में है ना बीजिंग. तो हाँ तो मतलब इर्तुस में ही +8 हो जाएगा, तो 2.5 घंटे आगे पहुंच जाएंगे. देख लो कितना बड़ा है रशिया इस हिसाब से. ये देखो अपन लोग पहुंच गए हैं भाई ओम्स्क. ये वही स्टेशन, ये वही जगह है जहां से माउंटेन ट्रैक करने अपनी जर्नी शुरू करी थी. हाँ तो भाई यहां पे स्टॉप है 42 मिनट्स का. तो हमने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया, अब हम जा रहे हैं स्टेशन की तरफ. नहीं ये भी मेरे को लग रहा है जा ही रहे हैं ना, ये भी उधर ही जा रहे हैं. हाँ बैग वैग देख रहे, कुछ बाहर खाने वाने का है तो हम देख लेते हैं. 40 मिनट है तो फिर मतलब हमने बी सेफ टाइम कितना रखा है? 10:45. हाँ 10:50 नहीं यार 11 नहीं 10:45. अरे हाँ 11 मतलब वही मेरी घड़ी पीछे 1 घंटा. किस तरफ? इस तरफ. ठंड है यार यहाँ तो, ठंड लग रही है इतनी मॉस्को में लगी मेरे को. तो हम देखते हैं ओम्स का स्टेशन कैसा है. तो सामने KFC है अगर किसी को दिख रहा हो तो, यार मेरे को ही नहीं दिख रहा इस कैमरे में. तो अपन ने रिस्क ले लिया बहुत दूर आने का. इतनी दूर तो हम आए नहीं भाई, हम तो प्लेटफॉर्म पे उतर के इधर उधर, हम तो बग्गी के आगे भी नहीं आते. नहीं 2 डिब्बे इधर उधर करके. अगर ये बताओ, चलो ये बताओ, मान लो भी ट्रेन छूट गई तो हमको क्या करना चाहिए? पहले तो स्टेशन मास्टर को फ़ोन करना पड़ेगा नोवोसिबिर्स्क में, बोले हमारा सामान निकाल दे, फिर अगली ट्रेन लेनी पड़ेगी. यार सर अगली ट्रेन लेनी पड़ेगी. अब पता क्या कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे पहले मतलब रिपोर्ट तो करी दें. हाँ. और फटाफट जो भी टैक्सी वैक्सी लेके अगले स्टेशन पे पहुँच जाए,
वो भी कर सकते हैं क्योंकि सामान इज वेरी इंपॉर्टेंट. वापस जब भी मेरे ऐसा सीन हो जाएगा अपना. और ये भी यहाँ पे भी तो कुछ मिल ही रहा है. हाँ ये भी है. शॉर्मा ही लग रहा है मेरे को तो. ये देख लेते हैं. केएफसी वैसे दिख भी नहीं रहा है मुझे कहाँ पे. हाँ दूर ही लग रहा है. ऊपर दुकान तो है ही. मैं भी बंद हो गया. चलो आ जाओ. तो मेरे को थोड़ा बड़ा लग रहा है और थोड़ा ज़्यादा मामला डालने का लग रहा है. चलो कोई नहीं, 149 भी ठीक है. और मैंने कह दिया जल्दी जल्दी पैक कर दो. सारा गूगल ट्रांसलेट से काम हुआ है. ओनली है कुर्च का कुर्च का. अरे भाई पता नहीं मेरे फोन में क्या हो रहा है. टाइम जोन फ्लक्चुएट कर रहा है. कभी +6, +7, +6, +7, +5, +6, +5, +6 ऐसा होता जा रहा है. मेरे को लगा था 17 मिनट में शोरमा वर्मा पैक करा के इस तरफ से आए थे. इस तरफ से हम शोरमा वर्मा पैक करा के वापस पहुंच गए अपने प्लेटफॉर्म की ओर. पहुंच चुके हैं. ट्रेन खड़ी हो गई बस. नहीं नहीं खड़ी है नीचे. मैंने देखा था जाएगी नहीं वैसे ऐसे. इतने बड़े डरपोक हैं कि हम 17 मिनट पैक करा के आ गए और अभी भी 25 मिनट बचे ट्रेन जाने में. अरे और यहाँ पे जैसे ये छोटा सा छोटी सी दुकान है ना, यहाँ पे भी आपको बियर मिल जाएगी. तो आप क्या कह रहे थे बियर के बारे में? यहाँ पे तो खुले आम मिलते हैं. तो ढूंढते दुकान ढूंढने में 2-3 घंटे लग जाते हैं. छुपी बैठे रहते हैं. यहाँ के लोग ड्रिंक फिर एथिकली करते हैं. बहुत ये नहीं यहाँ के लोग उड़ते नहीं है पी के. उड़ ही गया है. दुकान ढूंढने में 2 घंटे लग जाए. तो अब आया दवा के डाटा यूज़ करो 40 मिनट. डाटा यूज़ करो ना यार. इतनी बार देख रखी ना हेरा फेरी फैंस कमेंट डाउन बिलो. सीरियसली स्टेशन अभी तो थोड़ी ठंड सी लग रही है क्योंकि सूरज नहीं है ना. अभी भी 17 मिनट बचे हैं. तो ऐसे लग रहा है KFC, McDonald's, Burger King तीनों में जाके आ जाते तो भी टाइम बच जाता. वो ये कहते हैं बार बार केबाब जाके आ जाते हैं तब भी टाइम बच जाता. अब यार यहाँ पे आके खड़े होंगे तो टाइम नहीं बीत रहा है. वरना वहाँ पे ऐसा लग रहा है भाई छुट गई. पर डरना बनता भी है भाई. सामान चला जाएगा. सामान चला जाएगा. ज़्यादा हीरो नहीं बनना. आ जाना भाई टाइम पे. हम भी 5 मिनट तो जल्दी अंदर चले ही जाएंगे. इस वाली ट्रेन की टॉयलेट ऐसा कुछ खास तो नहीं है पर इसका ये बायो टॉयलेट है. तो इसका फ्लश देखना. जैसे मैं इस बटन को दबाऊंगा देखा. तो अभी ब्रश करने आया हूँ क्योंकि सुबह बहुत भीड़ हो जाएगी. तो इससे अच्छा अभी करके सो जाते हैं. सुबह पूरा कंपार्टमेंट करेगा. यहाँ पे 2 वॉशरूम है इस वाली ट्रेन में. पिछले वाले में सिर्फ एक ही था. तो फ्रेशनर हाथ धोने का सब कुछ है भाई. यहाँ पे टॉवल ये लोग देते ही हैं. तो ब्रश करके सोते हैं. टाइम आ गया है उतरने का. खड़ी है. हाँ तो ये लो ना उतार दो. मैं आराम नो टैक्सी भाई. कहीं बैठ के डिसाइड करना है स्टेशन से उतर के. नो एंट्री. ये है भाई हमारी ट्रेन. इस वाली में भी रेस्टोरेंट कार्ड में नहीं गए. हम फर्स्ट क्लास वाली में जाएंगे. उसमें हमको अरे एक मिनट. उसमें हमको बिल्कुल शाही लोगों की तरह ट्रीट किया जाएगा. अच्छा ये बताओ अब अदनान भाई, सेकंड एसी
मतलब सेकंड क्लास विदाउट एसी और थर्ड क्लास विद एसी, कौन सी प्रेफर करोगे? थर्ड क्लास कोई भी रेंट एसी से बहुत बहुत फर्क पड़ता है, बोल रहा हूँ। एक तो शांति रहती है शायद, शांति रहती है और बदबू नहीं होती, बदबू नहीं रहती और हम लोग सोते सोते आए हैं। मेरे पीछे है नोवोसिबिर्स्क का ट्रेन स्टेशन और हम लोग जा रहे हैं मेट्रो में। सामने ही है भाई मेट्रो और देखो यहाँ के ट्रेन स्टेशन देखो कैसे लगते हैं, लगता है कि जैसे किसी पुरानी बिल्डिंग किसी म्यूजियम में आ गए हो। सामने ही मेट्रो है वो देखो, वही वापस वापस क्या वापस वापस है। अच्छा ये बैग को लेके चढ़ना उतरना थोड़ी हालत पतली हो जाती है, इसलिए मैं कैरी नहीं करता सूट के, इसलिए मैं कम कैरी कपड़े कैरी करता हूँ, समझ गए? अब हालत पतली हुई, जो टैक्सी ले रहा हर जगह वो तो सही है, टैक्सी वाला खींच लेगा। ये आ गई मेट्रो, उतरो भाई मित्रों। इसकी मेट्रो ज़्यादा गहरी नहीं थी ये वाली, तो ये तो नॉर्मल सी थी। और इस वीडियो करते हैं पे ख़त्म। हम ये थी हमारी थर्ड क्लास ट्रेन जर्नी फ्रॉम यकातेरिनबर्ग से नोवोसिबिर्स्क तक की। इसमें लगे 21 घंटे, 9 घंटे कम मतलब पहले वाली जर्नी से। और इसका किराया कुछ लगा था इस वाली ट्रेन का 2800 रूबल। तो ये डिपेंड करता है सीज़न वाइज, डिपेंड करता है, चेंज होता रहता है। लास्ट में बुक कराओगे तो थोड़ा महंगा पड़ेगा, ये सब होता है। तो इस वीडियो करते हैं ख़त्म, अब हम जा रहे हैं अपने हॉस्टल।